तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2007 नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर में किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्रोसेस जो है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस है, बिल्कुल सेम ही होता है करीबन करीबन हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए आप गूगल से सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जो है डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखा हुआ, तो मैं जो अपने ड्राइव को ओपन किया और फिर यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के पास हम जाएंगे। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने दोनों चीज डाउनलोड करके रखा, 2007 और 2016। तो मेरा जो है यहाँ पे 2016 को भी इंस्टॉल कर सकते हो और आप जो है 2007 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन पहले अगर जो है आप 2007 को ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये थोड़ा सा सिंपल होता है, फिर इसके ऊपर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन के कंप्यूटर पे भी ये सॉफ्टवेयर जो है आसानी से रन कर सकता है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा पैकेज आएगा। पैकेज आने के बाद यहाँ पे देखो कि सबसे लास्ट में सेटअप लिखा हो रहा है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में आपको यही देखना होता है कि इस सॉफ्टवेयर के पैकेज में आपको सेटअप कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका सेटअप ऑन हो जाता है। जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको येस के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इसको फिर हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि आपका सेटअप जो है रनिंग करना है स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो है करीबन 10 से 15 मिनट के करीबन तक लेता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। ये आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है कि आपका जो है कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है। अगर आपका कंप्यूटर का रैम और प्रोसेसर अगर आपका हाई रहेगा, तो आपका जो है सॉफ्टवेयर बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा जो कंप्यूटर का रैम जो है 8 GB है और Wi-Fi 8 जनरेशन है। देखते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग कितनी जल्दी हो पाती है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने। कुछ देर तक वेट करते हैं, ये जब तक पूरा कंप्लीट होता नहीं तब तक जो है आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, बस आसानी से बैठे रहिए। सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है, वहाँ पे जो येस पूछा था उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और थोड़ा सा इसको कंप्लीट होने देता हूँ। मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है करीबन करीब कम्प्लीट होने के ऊपर है, इंस्टॉलेशन होने के ऊपर है। थोड़ी देर रुक जाते हैं कि यहाँ पे आपको जो है पूरी तरीके से मैं यहाँ पे मिस नहीं होने दूंगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद, एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन क्रिएट करता है या ऑप्शन शो करता है, ताकि जो आपको इंस्टॉलेशन करते कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो है करीबन आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया और यहाँ पे इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्राइजेस 2007 हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। मतलब कि आपका कंप्यूटर वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ भी आपको करना नहीं है, जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल सा हम इसके ऊपर क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे गए और क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे और हम देखना चाहते हैं कैसे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम स्टार्ट बटन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखें कि यहाँ पे देखो सिंपल सा एमएस ऑफिस 2007 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में जो है उसी तरीके से जो है आप 2016 को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2007 को ओपन किए थे। उसी तरीके से जब आप अपने सॉफ्टवेयर को अगर आप लोग डाउनलोड करते हो 2016 सॉफ्टवेयर को फिर से एमएस ऑफिस का, तो इसी के ऊपर ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जाना और यहाँ पे देखो फिर से उसी तरीके से सेटअप लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा, सेम उसी तरीके से प्रोसेस से आपको फॉलो करना है। मैंने जो है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो मेरा कंप्यूटर में यहाँ पे 2016 और 2007 दोनों इंस्टॉल है। आप एक ही बार में दोनों सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो सिंपल सा वर्ड टाइप किया, तो यहाँ पे देखो 2016 का एमएस वर्ड और एमएस वर्ड 2007 का दोनों एक साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद जो है आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे एमएस ऑफिस 2007 का यहाँ पे इंटरफेस ना शुरू हो जाएगा और मेरा जो है आपका एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड 2007 का पूरा विंडोज यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद जब यहाँ पे पहला बार ओपन कीजिएगा, तो बस सिंपल से ये सब टिकआउट को हटा देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आई डू नॉट यूज अपडेट फिनिश के ऊपर कर देंगे। आपका जो है प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।